लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मधेपुरा के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पूर्णिया में शराबबंदी कानून पर सरकार से पुनर्विचार करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सभी दलों की रायशुमारी के बाद कानून में बदलाव जरूरी है। वर्तमान कानून 13 करोड़ जनता के हित में नहीं है और नीतीश कुमार का यह जिद किसी भी मायने में सही नहीं है। पप्पू यादव ने कहा कि लोग भूखे हैं और नीतीश कुमार समाज सुधार की बात कर रहे हैं। जब तक लोगों के पेट की आग नहीं बुझेगी, समाज सुधार की बात बेमानी होगी। पप्पू यादव ने एक बार फिर कहा कि शराबबंदी कानून पर पुनर्विचार करते हुए उसमें बदलाव की आवश्यकता है। आप तरीका चेंज कीजिए, आप जितनी गवर्नमेंट का पावर एक जगह केंद्रित किए हुए हैं, उतना आप दूसरे जगह भी लगा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने राय शुमारी की बात पब्लिक से पूछ लीजिए और सभी दलों के नेताओं को बुलाइए, उसकी भी राय। वर्तमान समय में यह जिद सही नहीं है बिहार के 13 करोड़ जनता की। इस पर आप पुनर्विचार करना ही चाहते हैं तो आपको राय शुमारी और सभी दलों से निर्णय लेना चाहिए। या शराबबंदी, समाज सुधार, 1961 में राजा राम मोहन राय कहाँ चले गए? भूटलाल ने दयानंद सरस्वती का क्या हुआ? भ्रूण हत्या रुक गई, दहेज स्टेटस संबल हो गया। अब ये समझावे नीतीश जी को, बड़ा इज्जत करते हैं उस व्यक्ति की, कौन समाज सुधार में लग गए हैं भैया? भूखे पेट भजन होगा, गरीबी दुनिया का नंबर वन पे है, समाज सुधार हो जाएगा, इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, तब तो समाज सुधार होगा।